दर्शकों प्रिय अपना चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे ब्रांड के पास जिन्होंने क्रिएशंस की अपने दूध से और आज ये एक ब्रांड बन चुके हैं। हमारी ब्रांड है फार्मर्स डेयरी। और मेरे को पूरे शहर में क्या, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ वैसे तो, इससे बढ़िया कि कहीं नहीं है। मैं स्पेशल चंडीगढ़ से घी लेने आया हूँ और मैं यहाँ से लेता हूँ, रेगुलर प्रोडक्ट्स लेता रहता हूँ। और मेनली मैं इनका काऊ मिल्क जो है और काऊ जो हमारा काऊ घी है वो लेता हूँ, मैं यहाँ से रेगुलर लेता हूँ। तो प्रोडक्ट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू मार्केट। दर्शकों प्रिय अपना चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे ब्रांड के पास जिन्होंने क्रिएशंस की अपने दूध से और आज ये एक ब्रांड बन चुके हैं। हमारी ब्रांड है फार्मर्स डेयरी और बात कर रहे हैं यहाँ के कस्टमर्स के साथ। भाई आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे, कब से आ रहे हैं आप और कैसा आपको दूध देते हैं? बहुत बढ़िया दूध मिलता है यहाँ पर, एक साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मिठाई बहुत अच्छी इनकी। और यहाँ तक फार्मर चॉइस वाले जो ऑनर हैं उनकी बिहेवियर का सवाल है, आपको लगता है कि एक फैमिली एटमॉस्फेयर रहता है उनके साथ? बहुत बढ़िया है इनका बोलचाल सब चीज़। और दूध इनका प्योरिटी वाला है और दूध के साथ ही कलाकंद, दूध के साथ ही बर्फी, दूध के साथ ही खोआ और दूध के साथ ही हर चीज़ जो दूध वाली है वो इनके पास प्योरिटी से मिलती है। मैं चाहूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में दिखाए। जैसे कलाकंद में कौन कौन सी कलाकंद है? खजूर कलाकंद है सर, बटर स्कॉच कलाकंद है, अखरोट कलाकंद है, अंजीर कलाकंद है, एक प्लेन कलाकंद होता है। क्या कहना चाहेंगे कि इनके टेस्ट में जो टेस्ट आ रहा है, क्योंकि दूध प्योर है इसकी वजह से हम सोचें कि इतनी ज़्यादा प्योरिटी और टेस्ट आ रहा है इसका? हाँ जी सर जी। और यहाँ तक शुगर फ्री की बात है वो भी हम पर आप यूज़ कर रहे हैं? हाँ जी, शुगर फ्री भी मिल जाएंगे सर, खजूर कलाकंद है, अंजीर कलाकंद है, अखरोट कलाकंद है, इसमें चीनी नहीं होते सर। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे हम पिन्नियों की बात कर रहे हैं तो पिन्नियों का भी यहाँ पर एक भंडार ही है, कौन कौन सी पिन्नी है यहाँ? इसमें सर रागी लड्डू है, अलसी लड्डू है, चना ड्राई फ्रूट लड्डू है, आटा पिन्नी है, बेसन लड्डू है, सत्तू लड्डू है। बर्फी में कौन कौन सी बर्फी है? खोया बर्फी होता है सर, बेसन बर्फी होता है, बेकरी में सर हमारे रस मिल जाएंगे, ब्रेड मिल जाएंगे, बिस्किट मिल जाएंगे, देसी घी आटा बिस्किट, सत्तू बिस्किट। देख रहे हैं कि देसी घी प्योर जो कि बहुत ही कम मिल रहा है, कौ का देसी घी भी यहाँ मिलता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल प्योर मिलेंगे सर, भैंस का दूध, भैंस का दूध, भैंस भैंस का घी, गाय का घी बिल्कुल प्योर मिलेगा। गाय का घी मतलब क्या रेट है गाय का घी? 830 रुपये किलो सर, बिल्कुल प्योर। हाँ जी सर। क्या कहना चाहेंगे कि आपका खुद का ही फार्म है इसलिए आप लोगों को सारी चीज़ मिलती है? इसीलिए जब खुद का फार्म है इसीलिए। जैसे हमने देखा कि दूध की यहाँ लंबी लाइनें रात को लगी रहती हैं, जब भी दूध की बात चलती है तो लंबी लाइनें होती हैं रात को यहाँ पर, बहुत लोग आते हैं दूध पीने स्पेशल। हाँ जी सर। केसर दूध? केसर दूध नहीं होता सर, वो प्लेन दूध होता है, कड़े हुए दूध होता है, कड़ा हुआ दूध। हाँ जी सर। और उसमें मलाई वगैरह? हाँ जी। और उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें पनीर की बात कर लें? हाँ जी सर। तो लोगों की बात कर लें, कोई भी ब्याह शादी है तो लोग यहाँ ही प्रेफर करते हैं, हमने पनीर यहाँ से लेना, खोआ यहाँ से लेना, दूध यहाँ से लेना। हाँ जी सर। लस्सी? लस्सी भी है सर, लाल लस्सी, करी हुई लस्सी, जो गांव की लाल लस्सी होती है वो लस्सी है सर। नमकीन भी है? हाँ जी सर, मीठी लस्सी भी है, नमकीन लस्सी है। क्या कहना चाहेंगे आप, कितनी देर से आप कितनी देर से सर के साथ है अटैच? हम 3 साल हो गए सर।
क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसी फैमिली है जिन्होंने बहुत मेहनत की है, पहले पापा ने मेहनत की थी और अभी बेटा जो है बहुत बड़ी मेहनत कर रहा है। बहुत अच्छा है सर। अपना चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जिनसे मिल रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मेहता जी की, हरकेश मेहता जी की है, जिन्होंने ये बूटा लगाया और अब ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके पाए हुए पूर्णों के ऊपर चल पे इनका बेटा जो है वो क्रिएशन कर रहा है। इन्होंने अपनी मेहनत की, बहुत गाले गाली, लेकिन बेटा है जो उसको उन चीज़ों को इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो। काफी टाइम से यहाँ से गीत दे रहा हूँ और मेरे को पूरे शहर में, क्या मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ वैसे तो, इससे बढ़िया गीत कहीं नहीं है। मैं स्पेशल चंडीगढ़ से घी लेने आया हूँ यहाँ पर। अब रात आया था, सुबह घी लेके वापिस जा रहा हूँ। अब देख सकते हैं कि स्पेशल जो है ये स्पेशल घी लेने यहाँ पर आई, और यहाँ की मिठाइयाँ भी मैं अपने सिस्टर और ब्रदर को भेजी है यहाँ से खरीद के यूएसए में, तो इनका मुकाबला नहीं है। हम देख सकते हैं कि चेन बनती है इनकी, अगर ये चीज बढ़िया रखते हैं जैसे कनाडा तक, अमेरिका तक, हर कंट्री में भी इनका माल जा रहा है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मिलता है ये वो बहुत अच्छा मिलता है, इनका घी हुआ, दूध हुआ, स्वीट्स हुई, सब कुछ बहुत अच्छा है। और कब से आ रहे हैं आप इनके पास? मैं इनको 2 साल हो गए, पिछले 2 साल से आ रहा हूँ। और जैसे कहते हैं कि कोई चीज़ हम लेते हैं तो जैसे मिठाई हैं और हैं, तो उसमें हाइजेनिक भी रहता है? पूरा पूरा हाइजेनिक रहता है। और सारा मिठाई, दूध वगैरह? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब कुछ यहीं से लेके जाते हैं हम। बेटा कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। मैंने इनकी ब्रेड भी यूज की है, मैदा ब्रेड, इट्स वेरी गुड। हम जनरली वही यूज कर रहे हैं, जब से वो ब्रेड आई है हमने मार्केट से दूसरी ब्रेड परचेज करना बिल्कुल ही बंद कर। और उसमें पेट को भी मतलब रिलैक्स रहता है ना उसके साथ? वो बहुत ही हल्की ब्रेड है, मतलब पता चलता है कि सच में ये सूजी से बनी। ये फार्मर्स डेयरी, फार्मर्स का अच्छा है, और मैं यहाँ से लेता हूँ, रेगुलर प्रोडक्ट्स लेता रहता हूँ, और मेनली मैं इनका काऊ मिल्क जो है, और काऊ जो हमारा काऊ ही है वो लेता हूँ, मैं यहाँ से रेगुलर लेता हूँ, तो प्रोडक्ट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू मार्केट, मतलब क्वालिटी भी अच्छी है और जो बोलते हैं अच्छा है। पिकल्स की बात कर लें तो पिकल्स अगर हम बात कर लें उन ऑयल्स की जो बहुत ही यूनिक और आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे पास अखरोट का तेल है, ये कहीं नहीं मिलेंगे, बादाम तेल हो गए सर, अचार हो गए सारे, आम के है, हरी मिर्च का है, नींबू का है, ये सब कहीं नहीं मिलता। जैसे आप लोग आते हो यहाँ पर खाते हो आकर चीज़ें, कैसा रहता है? अच्छा। कब से आते हैं सर? बचपन से। बेटा हम पंचकुला से आए, हम इतनी बार यहाँ पर आए नहीं, बट जब भी हम नानी हाउस आते हैं तो रसगुल्ला और मिल्क केक हम मेरा फेवरेट है। इनके चार हैं जो आपको हर जगह मिल सकते हैं, लेकिन फार्मर चॉइस की जो क्रिएटिविटी है, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, जिस तरीके से ये बनाते हैं कि इसमें तेल कम है, इसमें मसाले बढ़िया यूज़ किए गए हैं, वो चीज़ आपको कहीं से और नहीं मिलेगी। और हम देख सकते हैं कि मुरब्बे हैं, हर तरह के मुरब्बे यहाँ पर अवेलेबल हैं, और हम देख सकते हैं कि वालनट का तेल है, अलसी का तेल है, कद्दू का तेल है कुल निकाला हुआ, बादाम का तेल है, जैस्मीन का ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, हर चीज़ यहाँ पर आपको, ओनियन पाउडर है, चिल्ली फ्लेक्स, मतलब जो भी चीज़ आपने लेनी है। अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स जो हर तरह के यहाँ पर अवेलेबल है, बिस्कुट्स हैं, आटा बिस्कुट्स भी है,
सत्तू बिस्किट है, बिस्किट है आपका हाजमे के लिए, आपके लिए हर तरह की गच्चक। अगर हम अभी लोहड़ी का सीजन आ रहा है तो गच्चक के लिए क्या कहना चाहेंगे कि गच्चक भी हर तरह की प्रोटीन से मिल रही है? हाँ जी सर जी, गच्चक भी आपने किसी तरह की गच्चक लेनी है यहाँ पर अवेलेबल है, रेवड़ी लेनी है किसी तरह की रेवड़ी अवेलेबल है, और कितनी भी क्वान्टिटी में चाहे वह आपको मिल सकती है। हाँ जी सर, मामला गिरी जो कि आपको यूनिक ही मिलती है कहीं पर, वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहती है। सर क्या कहना चाहेंगे कि शायद जो है ये फार्मर्स चॉइस शायद ही है? हाँ जी सर, बिल्कुल प्योर मिलेंगे सर शायद, और अलग अलग तरह के, और रेट भी ज्यादा है। हाँ जी सर, शायद किस किस तरह के आपके पास? इसमें सर तुलसी मिल जाएंगे, लीची मिल जाएंगे, अजवाइन मिल जाएंगे, तिल वाले मिल जाएंगे, जिंजर मिल जाएंगे, कई तरह का है सर शायद, हर तरह का शायद। हाँ जी सर, अपना खुद का तैयार किया हुआ है? हाँ जी सर, और देसी घी की हम बात कर रहे हैं तो काऊ का देसी घी और गाय का देसी घी, गाय का, बफलो का, मतलब मज का देसी घी, गाय का देसी घी, हर तरह का देसी घी। हाँ जी सर, हर तरह का देसी घी, दो तरह, एक गाय का और एक भैंस का। क्या नाम भैया? निशांत मेहता। निशांत मेहता भैया, मेरा गाँव जिंजरो है, डाकखाना हाफिजपुर, यमुनानगर। यमुनानगर से है भैया, और इनके पास लगभग 50 के आसपास तो भैंस है, कितनी भैंस है भैया? 46 भैंस है मेरे पास। अच्छा, 16 काउ है, और 18 के अराउंड मेरे पास बच्चे हैं जो जिनको मैं ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरे पास HF नस्ल की गायें हैं। अच्छा, और इसमें हमारे पास मुर्रा नस्ल की, प्योर मुर्रा नस्ल की हमारे पास बफेलोज हैं। अच्छा, जिससे हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अच्छा, और हम लोगों को, हम यहाँ पे अब आगे ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, और आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी काउज एंड फेलोज। ये बुल है, ये सिर्फ 1.5 साल का है, और इसको हम बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने ब्रीड के लिए तैयार कर रहे हैं। ये अपना होम, अपना ही बच्चा है घर का? अपना बच्चा है, अपनी उस भैंस का है, वो भैंस। अच्छा, भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये काऊ है जो लोगों ने इसको खेतों में छोड़ दिया था, मैंने इसको पकड़ा, और इसका दूध अभी 8-9 किलो हो गया। इसको मैंने अपने आप ही तैयार किया है, और अभी इसकी मिल्किंग हो चुकी है, इसलिए ये थोड़ा परेशान है। अच्छा, और ये मेरी गाय है, ये 6 बार मेरे पास ब्याह चुकी है। ये गाय इसका दूध 26-27 लीटर है। ये मेरी भैंस है, इसका ये 4 टाइम इस बार ब्याहेगी आगे। अच्छा, मतलब इसका बच्चा होने वाला है? इसका बच्चा होने वाला है, और पिछले बार उसने 12-14 लीटर दूध निकाला है, इस बार देखते हैं क्या होगा। ये बुल मेरे पास 7 साल से है। 7 साल से ये आपने परचेज करा था? ये मैंने परचेज किया था। अच्छा, इसकी माँ का दूध 23-24 लीटर था, और ये सारे आगे जितने बच्चे हैं ये सब आगे इसको कभी, मतलब बहुत लोग परचेज करने के लिए आते हैं, बट हम इसको कभी देते हैं आगे, हम लोगों को आपने मीट कराने के लिए हम इसको आगे यहाँ पे देते हैं।